एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरपाओ निर्वैर्य काल मूरत अरुणी सैपंग गुर प्रसाद जप आद सच जुगात सच खैपी सच नानक खुशी पी सच बलहारी गुर अपने देवहारी सदवार जिन मानस ते देवते किए करत ना लागी वार जुगो जुग अटल साहिब सतगुरु तन तन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज सचे पातशाह जी दी पावन पवित्र हजूरी अंदर जुड़ बैठी साध संगत जीओ इस नगर अंदर पिंड हाबड़ी विखे इस विशेष गुरमत समागम विच हाजरी भर रही साध संगत जी ये जो समागम है सत्कारयोग ज्ञानी कुलवंत सिंह तिना दे विशेष उद्यम उपराले सदका इस नगर विखे उलीकिया गया आयोजित किया गया। इस समागम चार साहिबजादे ते अति सत्कार योग तन माता गुजरी जी तिना दी प्यारी शहादत नो समर्पित है। साध संगत बड़े प्यार सहित आप जी नू सत्कार योग भाई मनिंदर सिंह जी श्रीनगर वाले अमृत बाणी का कीर्तन श्रवण करवा रहे से ते उसे कीर्तन की लड़ी विच एक बड़ी दिल नू टुंबवी उस आवारत नू भी उन्होंने गीत रूप विच आप जी दे सन्मुख पेश कीता जिस आवारत विच साहिबजादे अपनी दादी नू जो कहिंदे ने उस नू बड़े सुंदर अखरां विच उन्होंने लिखे। आओ आप जी बहुत लंबे समय तो गुरु चरणा विच बैठे हुए बड़े प्यार नाल फिर भी टिका विच बैठे हो आओ कुछ कहन तो पहला क्योंकि उन्हां महान शहीदां दी शहादत कोई छोटी शहादत नहीं कहनी सौखी गल है इस नूं प्रैक्टिकल रूप विच हंडाउणा एक बहुत वड्डी गल है। आओ कुछ कहन तों पहलां सारे एक बारी गुरफतेह दी सांझ नाल मुख पवित्र करो कोई रसना वांझी ना रहे दास थोड़े ही समय विच
आप जी की सेवा करेगा, क्योंकि समाप्ति का समा हो रहा है। आप जी बड़े लंबे समय तो आनंद प्राप्त कर रहे हो, आओ प्यार सहित फतेह की सांझ पाओ, गज के आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। जदों असी साहब जी की पवित्र बाणी पढ़ते हाँ, उत्थे सूरमे की व्याख्या नाम जपना दसी है। सूरमा कौन है? कहन लगे जिसने पहली गल तो यह है, जिसने अपने शरीर विच रहिंदिया अपना अंदरला जित लिया। साहब कहन लगे ओदे वर्गा होर दूसरा सूरमा नहीं हो सकता। तो साहब कह लगे अंदरला जितया किवें जांदा है? ओदा जवाब साहब ने दिता, जेड़ा नाम जपदा केवल बंदगी करके अंदरला जितया जांदा है। साहब कहिंदे जिहड़े अंदरला जित जाण ओह कदी अपने जीवन की बाजी हार के नहीं जांदे, अंदरला नाम जपण नाल जितीदा। जिहड़े ओह जित गए उन्हां नूं सूरमियां की कतार विच खड़ा किया जांदा है। आपां ये बचन साहब का पढ़ते हैं। हजूर कहिंदे जांको हर रंग लागो इस युग में, सो कहियत है सूरा। जिस नूं इस जगत विच नाम का रंग लग गया, मेरे साहब कह लगे उस नूं सूरमा किया जांदा है। आत्म जिणै सकल वस तांकै जांका सतगुर पूरा। साहब कह लगे आत्मा नूं जिसने जितया। और चेते रखो जिन्ना असी शहीदां दी प्यारी याद विच जुड़ बैठे हाँ, यह केवल शरीरां नूं जेतू सूरमे नहीं सन। जिन्ना शहीदां दी याद विच जुड़ बैठे हाँ, यह ओ सूरमे ने गुरु के प्यारे, जिन्ना ने पहला अपना अंदर जितया। ते अपना अंदर जित के जे मैदाने जंग विच गए उत्थे भी फतेह पा दते, जे सूबे की कचहरी विच गए उत्थे भी फतेह पा दते, जे सरहंद की कंध कोल गए ते उत्थे भी फतेह पा दते। गुरु के सवारस साहब दे आ जिहड़े पंज शहीद ने, चार साहबजादे और एक सत्कारयोग माता गुजरे जी, आ हुणे ही गुरु प्यारे आप जी नाल एक बचन सांझा कर रहे सन। हकीम मिर्जा अल्लाह यार खा जोगी, उसने बड़ी सुंदर अवारत इन्हां चार साहबजादियां दी लिखी है। ते उसने माता गुजरी जी बारे भी बड़े दिल टुंबवें शब्द गुरु के सवारे वो लिखे ने। शायद आप जी नाल इन्हां ने बचन सांझे किते होणगे। उस इस्लामी कवि ने, मुसलमान कवि ने, क्योंकि मुसलमानां विच एक गल पक्की है, जेड़ा अपने धर्म तो बिना किसी दूसरे की सिफत करे उन्हूं कहिंदे ने तेरा मुख हुण पाक नहीं रहा। जे तू इस तरह ही करदा रहा, तेनू अपना मुख केवल ते केवल कलाम पढ़ के ही पवित्र तेरा हो सकदा, तू दूसरियां दी सिफत नहीं कर सकदा। पर उस योगी ने धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी दे इस चार साहबजादियां दी ते माता जी दी सिफत दे बड़े कमाल दे बचन कहे ने। दो उस दियां पुस्तकां ने, एक उस पुस्तक दा नाम है गंजे शहीदां, दूसरी पुस्तक दा नाम है शहीदां ने वफा। जिहड़ी गंजे शहीदां पुस्तक है ये 1913 विच, और जिहड़ी शहीदां ने वफा पुस्तक है ये उस योगी ने 1915 विच लिखी। इस पुस्तक विच, इन्हां दो पुस्तकां विच बड़ी कमाल दी गुरु के सवार वो गल करदा है। मैं केवल संखेप विच बेनती करनी है, जिन्हां दी याद विच जुड़ बैठे हाँ प्यारिओ, उन्हां वर्गी होर महान हस्ती कोई दूसरी नहीं है। योगी कहिंदा है
ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਦੋਂ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਿਲ੍ਹਾ ਛੱਡਿਆ ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਵਿੱਚ ਆਏ ਅਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਬਚਨ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਆਖੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਟਿਕਾਣਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਅਤੇ ਜੋਗੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਦਰਦਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਦੀਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਕ ਬਚਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਬੇਟਾ ਜਿਸ ਖਿੱਤੇ ਮੇਂ ਹਮ ਕਹਤੇ ਥੇ ਆਨਾ ਯੇ ਵਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਜਾਂ ਪੇ ਕਲ ਕੋ ਲੁੱਟ ਕੇ ਜਾਣਾ ਜੇ ਵਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਜਾਂ ਪੇ ਬੱਚੋਂ ਕੋ ਕਟਾਣਾ ਯੇ ਵਹੀ ਹੈ, ਮੱਟੀ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੈ ਠਿਕਾਣਾ ਯੇ ਵਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਬੇਟਾ ਮੈਂ ਕਦੀ ਕਦੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਵਾ ਪਹਾੜੀਆਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਬਣੇ ਬੜੇ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਔਰ ਇਕਾਂਤ ਭਰੇ ਇਸ ਵਾਤਾਵਰਨ ਵਿੱਚ ਕਥਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਰਦਾ ਸਾਂ, ਜਿਸ ਘੜੀ ਜਿਸ ਥਾਂ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਹੈ ਉਹ ਆਨੰਦਪੁਰ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕੋਈ ਹੋਰ ਥਾਂ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਪੁੱਤਰੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਉਸ ਥਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਾ ਸਾਂ, ਅੱਜ ਉਸ ਥਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਸ ਥਾਂ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਇਬਾਰਤ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਲਿਖਣੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਵਾਰਿਓ ਚਾਰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ, ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਬਾਬਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ। ਇਹ ਬੜੇ ਭਾਵਪੂਰਤ ਸ਼ਬਦ ਨੇ। ਦੋ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ ਅਤੇ ਅੱਲਾ ਯਾਰ ਖਾਂ ਜੋਗੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ, ਕਹਿ ਲੱਗੇ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਸਾਰੇ ਸਿੰਘ ਆਰਾਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਤ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਘੇਰਾ ਪਿਆ ਰਿਹਾ, ਬੜੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਸਿੱਖ, ਗੜੀ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਪਿੱਛੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਵਾਰ ਕੀਤਾ। ਅਤੇ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉਸ ਨਿਡਾਲ ਹੋਏ, ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਥੱਕੇ ਟੁੱਟੇ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਆਰਾਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਤੰਬੂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਗੜੀ ਵਿੱਚ ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਦੇ ਸਿਰਹਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜੋਗੀ ਨੇ ਵੀ ਆਬਾਦ ਬੜੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਲਿਖੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਬ ਡੇਢ ਘੜੀ ਬੀਤੀ ਜ਼ਿਕਰੇ ਖੁਦਾ ਮੈਂ, ਖੈਮਾ ਸੇ ਨਿਕਲ ਆਏ ਸਰਕਾਰ ਹਵਾ ਮੈਂ, ਕਦਮੋਂ ਸੇ ਟਹਿਲਤੇ ਥੇ ਮਗਰ ਦਿਲ ਥਾ ਦੁਆ ਮੈਂ, ਕਹਤੇ ਤੇ ਕਰਤਾਰ ਸੇ ਹੂੰ ਖੁਸ਼ ਤੇਰੀ ਰਜ਼ਾ ਮੈਂ, ਜਿਸ ਹਾਲ ਮੈਂ ਤੂੰ ਰੱਖੇ ਵਹੀ ਹਾਲ ਹੈ ਅੱਛਾ, ਜੁਜ ਸ਼ੁਕਰ ਕੇ ਸਵਾ ਜਵਾਬ ਪਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸ਼ਿਕਵਾ। ਮੇਰੇ ਮਾਲਕਾ, ਜਿਸ ਥਾਂ 'ਤੇ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਤੂੰ ਰੱਖਿਆ, ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਦੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਚੰਦੋਵਿਆਂ ਥੱਲੇ ਬਿਠਾਇਆ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਖਿਦਮਤ ਕਰਦਿਆਂ ਉਸ ਪੰਡਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈਣਾ ਲੱਗੀਆਂ, ਤੇਰੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਸੰਸਾਰ ਨੇ ਵੇਖੀਆਂ, ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੁੜਿਆ ਰਿਹਾ। ਅਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਇਕਾਂਤ ਰਾਤ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਸ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬੀਆਬਾਨ ਜੰਗਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦਾ ਕਰਦਾ ਇਸ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਕੋਈ ਪਕਾਉਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਅੱਜ ਖਵਾਉਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਥੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਲੇਪ ਅਤੇ ਤਲਾਈਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇਸ ਕੜਾਕੇ ਦੀ ਧੁੱਪ ਵਿੱਚ, ਕੜਾਕੇ ਦੀ ਠੰਡ ਵਿੱਚ ਮਾਲਕਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਸ਼ੁਕਰ ਵਿੱਚ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਆਖਰ ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰੇ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਬਚਨ ਲਿਖ ਕੇ ਛੱਡ ਗਏ ਨੇ, ਜੋ ਤੁਧ ਭਾਵ ਹੈ ਸਾਈ ਭਲੀ ਕਾਰ, ਤੂੰ ਸਦਾ ਸਲਾਮਤ ਨਿਰੰਕਾਰ। ਆਖਰ ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਇਹ ਬੋਲ ਕਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਬੋਲਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੁਹਰਾਉਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਚਨ ਕਹੇ, ਕੇਤਿਆਂ ਦੁੱਖ ਭੂਖ ਸਦਮਾਰ, ਇਹ ਪੇ ਦਾਤ ਤੇਰੀ ਦਾਤਾਰ।
चमकौर दी उस तंबू विचों बाहर निकल के एक एक सिख कोल जांदे ने। इत्थे मैं एक बेनती करांगा, रात नू एक सिख पहरा दिंदा, उस सिख का नाम है भाई कोठा सिंह। इसने अपने हाथ विच एक चोब पकड़ी है, गड़ी दे मेन दरवाजे दे सामने बंद बूहे विच अंदरले पासे खलोता पहरेदार बने। सिखां ने साहब जी ने देखिया, कमाल होगी गुरु नानक दा दिए फुलवाड़ी, किन्ने गुरु नानक दे चरणा नाला प्यार करन वाले लोग हन जेड़े दुख ते भुख हंडांदिया होया मैनू छड्डन लई तैयार नहीं होए। इस गड़ी विच जेड़े कूक नींद विच सुते होए ने, मेरे सतगुरु जी उस वाहिगुरु दे वार ने बलिहार ने हो गए। आखिर अंदरों अंदरी गुरु के सवाद इन्ह सिखा लिए अरदासा करदिया करदिया धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज उस सिख दे सन्मुख पहुँच गए, जिस सिख का नाम है भाई कोठा सिंह। तो उस सिख न जाके ये बोल कहे, कोठा सिंह, हाँ महाराज, बड़ी मधुर आवाज, महाराज आप इस वेले तंबू तो बाहर की हुक्म है? मेरे साहब जी कह लगे, कोठा सिंगा, तुसा गुरु नानक दे घर तो जो मेरे तो मंगिया मैं तुहानू गुरु नानक दे दर तो लैके दिता। कोठा सिंगा, तुसा जो मंगिया तेरी झोली विच पाया? हाँ महाराज, क्यों नहीं, मेरिया पुश्तां भी तेरे दिते हुए दान नू कदी भुला नहीं सकनगी। कोठा सिंह, अज मैं तेरे तो कुछ मंगन लगा, मैं पूछना चाहना, जो मैं मंगना चाहना तू मैनू देवेंगा? कोठा सिंह बड़ा हैरान होया, वाह हजूर, भिखारी कदों दे दाते बन गए तेनू देन दे? तेरे दर ते अलख जगाउण वाले, तेरे दर तो अपनी जिंदगी दे दीवे, तेरी रहमत दा तेल लैके जगाउण वाले अज किवें कुछ तेनू दे सकदे ने? नहीं कोठा सिंह, तेरे कोल कुछ है जो मैनू तू दे सकदे, पर मैनू वचन कहे कि तू दे देवेंगा। कोठा सिंह कहन लगा, महाराज जो कुछ है वह भी तो आखिर तेरा ही दिता होवेगा, क्यों नहीं हुक्म करोगे? मैं वो कुछ आप जी नूं जरूर देवांगा, तुहाडे हुक्म दी पालना करांगा। ते इतिहास इस गल दा गवाह है, उदो चंद्रमा ने भी गुरु के सवारों खंजूआं दे ढेर ला दिते, जदों हजूर ने आखिया, कोठा सिंह मैं चाहना ये पहरेदारी दी चोब मैनू फड़ा दे, तू भी इन्हां सिखां नाल जाके आराम कर लै, अज दी रात दा पहरा गोबिंद सिंह इन्हां सिंघां दा देना चाहुंदा है। महाराज आप विश्राम करो। नहीं कोठा सिंह, आखिर हजूर दे हुक्म दी तमील कीती गई। सतगुरु जी चोब पकड़ के, कोठा सिंह दा दिल तो नहीं चाहुंदा मैं जाके आराम करां, पर गुरु का हुक्म है, जैसा विछौना मिलया, जैसा ठिकाना मिलया, कोठा सिंह जाके पै गया। इधर दीन दुनिया दे मालक हौली हौली कदम पुटदे पुटदे एक एक सिख दे सराणे जांदे, एक एक सिख दे सराणे गुजरदे। ते जोगी कहिंदा, मैं ऐसा मुरशद दुनिया विच कोई नहीं देखिया जेड़ा अपने मुरीदां नाल इन्ना प्यार करदा होवे। मैं मुरशद दे चरणां विच मुरीदां नूं मत्था टेकदिया दी बड़ी लम्मा इतिहास पढ़िया, पर मैं पहली बारी देखिया एक मुरशद अपने मुरीदां दे पैरां नूं चरणां वल एक एक कदम वधा के प्यार नाल एक एक दे चरण वेखदा है।
ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬੋਲ ਨੇ ਕਹਿ ਲੱਗੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਸਰਾਣੇ ਘੁੰਮਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਦਾ ਮੂੰਹ ਚੁੰਮਦੇ ਨੇ ਚੂਮਾ ਕਬੀ ਹਲਗੁਮ ਦਹਿਨ ਚੂਮਦੇ ਬੈਠੇ ਇਹਨੇ ਚਿਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦੇ ਕੇ ਅਤੇ ਚਰਨਾਂ ਵੱਲ ਆ ਗਿਆ ਜੋਗੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੁਰਸ਼ਦ ਮਰੀਦ ਦਾ ਮੁੱਖ ਚੁੰਮੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਏ ਪਰ ਮੈਂ ਇਸ ਮੁਰਸ਼ਦ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਜਦੋਂ ਆ ਕੇ ਚਰਨਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਆਪਣੇ ਮਰੀਦਾਂ ਦੇ ਚਰਨ ਵੀ ਚੁੰਮਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਚੂਮਾ ਕਬੀ ਹਲਗੁਮ ਦਹਿਨ ਚੂਮਨੇ ਬੈਠੇ ਪਿਆਤੀ ਜੋ ਆਏ ਤੋ ਚਰਨ ਚੂਮਨੇ ਬੈਠੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਇਉਂ ਤੁਰਦਿਆਂ ਤੁਰਦਿਆਂ ਮੇਰੇ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਸਰੀਰਾਂ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰੀਰ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਦੀ ਹੱਡ ਮਿੱਝ ਮਾਸ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਥ ਨੇ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਿਹਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਥ ਨੇ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਆਖਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਰੀਆਂ ਦੇਖ ਕੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਵਾਰੋ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਫਿਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਕੀਤਿਆ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਰਾਣੇ ਆ ਕੇ ਖਲੋਂਦੇ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੋਲ ਕਹੇ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਥੇ ਚਾਰ ਹੈ ਦੋ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਾਲਕਾ ਮੈਂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਤੁਰਿਆ ਸਾ ਚਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਿਆ ਸੀ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਭਾਵੀ ਨੇ ਐਸਾ ਗੇੜ ਦਿੱਤਾ ਦੋ ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵਿਛੜ ਗਏ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੋ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨ ਹੈ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਦਿਮਾਗ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹੇਗਾ ਅਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਸੂਰਜ ਪੱਛਮ ਦੀ ਬੁੱਕਲ ਛੁੱਪਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਮੇਰੇ ਸਰਾਣ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਮੇਰੇ ਦੋ ਬੱਚੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਆਰਾਮ ਪੈ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੇ ਉੱਥੇ ਬੋਲ ਕਹੇ ਥੇ ਚਾਰ ਹੈ ਦੋ ਸ਼ਹਿਰ ਜੇਪੀ ਨਾ ਹੋਂਗੇ ਹਮ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਾਂਗੇ ਅਗਰ ਜੋ ਜੇਪੀ ਨਾ ਹੋਂਗੇ ਮਾਲਕਾ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਾਂਗਾ ਜੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਜਾਣ ਉਹੀ ਹੋਇਆ ਸਵੇਰ ਦਾ ਜੰਗ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਲਈ ਆਗਿਆ ਮੰਗੀ ਅਤੇ ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ ਉਸ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨੂੰ ਹੱਸ ਹੱਸ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਬੇਟਾ ਮੈਨੂੰ ਵਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮਿਲਿਆ ਮੈਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹੀ ਵਿਰਾਸਤ ਅੱਗੇ ਤੋਰਨੀ ਹਾਂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਕੀ ਮਿਲਿਆ ਬੇਟਾ ਇਸ ਧਰਮ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਬੇਟਾ ਇਸ ਪੰਥ ਦੀ ਬੋਲ ਬਾਲੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਬੇਟਾ ਇਸ ਪੰਥ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਉਂਦਾ ਰੱਖਣ ਲਈ ਮੈਂ 9 ਵਰ੍ਹੇ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਦਾ ਸੀਸ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਜੀ ਆਇਆ ਉਸਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਬੇਟਾ ਮੈਂ ਉਹ ਹਾਂ ਜਿਹਨੇ ਪਲ ਪਲ 'ਤੇ ਉਸ ਕੁਦਰਤ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਇਸ਼ਾਰੇ ਨੂੰ 7 ਬਚਨ ਕਹਿ ਕੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਪੁੱਤਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਦੇ ਰਿਹਾ ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਮਾਲਕੀਅਤ ਹੈ ਜਾਓ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ ਬੇਨਤੀ ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ ਕਰਨੀ ਸਵੇਰੇ ਦੋਵੇਂ ਲਾਲ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਜਦੋਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਵਾਰਿਓ ਕਿਹੜਾ ਬਾਪ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ 'ਤੇ ਜਗਾਰੇ ਛੱਡਦਾ ਅਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਲਕਾ ਤੇਰੀ ਅਮਾਨਤ ਸੀ ਮੈਂ ਸਾਬਤ ਸੂਰਤ ਮੋੜਨ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਵਾਰੋ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਹੋ ਗਈ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਾਤ ਅਗਲੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਫਿਰ ਟਿਕਾਣਾ ਕਰਨਾ ਸੀ ਅੱਜ ਇਹ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਅਲੀਆਂ ਨੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਇਸ ਗੜੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਵਾਰਿਓ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ
दस लख मुलखइए नाल दो दो हथ करन लई बाकी रहिंदे सिंघां नाल व्यौंत बनाउण लई दी जदों सोचण लगे इन्ने चिर नूं पंथ ने एक पैगाम दे दिता। भाई साहब भाई दया सिंह साहब सामने आए, चार शरीर होर उन्होंने नाल लै ते आउंदियां सार इस पंथ दे वाली नूं साहिब गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी नूं ये बोल आखे, महाराज अज पंथ बेनती करन लई नहीं आया, महाराज इस पंजां दी साजना तुसी कीती है। नहीं, दया सिंह उस निरंकार दे हुक्म विच होई, महाराज पंजां दा हुक्म मनन लई सानू सब नूं तुसां पाबंद कीता, अज दया सिंह तुहाडे सामने खलो के ये गल कहना चाहुंदा है, ये पंज अज तुहानू जो हुक्म करनगे इस हुक्म नूं मनन लई आप जी पाबंद होवोगे। हजूर ने बोल सुने, अंदरों अंदरी ते जानते ने पंथ की हुक्म करना चाहुंदा है, पर इन्ने चिर नूं आख लगे दया सिंह जी क्यों नहीं, जो पंज प्यारे हुक्म करनगे गोबिंद सिंह कदी उस हुक्म नूं नज़रअंदाजी कर सकदा। सत्संग हुक्म होया, महाराज पंथ आप जी नूं हुक्म करदा है, सवेर दा सूरज चढ़न तो पहलां पहलां इस चमकौर दी गड़ी नूं गुरु गोबिंद सिंह छड़ जाए। हाथ जोड़े, दया सिंह जी पंजो प्यारियो, एडा डाढा हुक्म नहीं, बस पंथ दा ये फैसला है, सवेर दा सूरज गुरु गोबिंद सिंह से चमकौर दी गड़ी विच नहीं चढ़ सकदे, अज रातों रात जाना पएगा, पर हाँ एक दूसरा वचन हो रहा है महाराज, कितरे ए इस मुसलमान ए फौजा ये ना समझ लैन, गुरु गोबिंद सिंह रात चोरी चोरी चले गए ने, इस करके पंथ ये भी हुक्म देंदा है, आप जी जदों चमकौर दी गड़ी चो बाहर निकलोगे आप जी ताड़ी मार के जाओ। सत वचन कहा, पंथ दे हुक्म नू बियाबान काली रात विच पंथ दा वाली सत वचन कह के गुरु के सवारियो गड़ी ते दरवाजे तो बाहर होन लग गया। देखो तीन सिख नाल ने, एक हजूर आप ने, दरवाजा दे विचों निकले थोड़ी जी दूर गए ते गरीब नवाज पातशाह महाराज जी ने ताड़ी मारी ते बोल कहे, हिंदे पीर में रवद, इदा मतलब है हिंदुस्तान दा पीर जा रहा है, किसे दी जरूरत है ते मैनू पकड़ सकदा है, क्योंकि ये मुलखइया ऐसी भाषा नू जानदा है, ते उसे भाषा विच हजूर ने वचन किया हिंदे पीर में रवद, कि हिंदुस्तान दा पीर इस घड़ी चो निकल रहा है, किसे दी जरूरत है मैनू पकड़ सकदा है। इस तरह दूसरे सिखा ने ताड़ी मारी, फौजा रात ही गुरु के सवारों बहुत ज्यादा वड्डियां कटियां गई, आखिर साहब निकल गए माछीवाड़े दे जंगलां वल। मैं बेनती केवल चार साहबजादियां दी ते माता जी बारे करनी, इधर दूसरा पासा दूसरा विछड़िया परिवार उहदी कहानी भी बड़ी अजीब है। बजुर्ग दादी दोनों पोतियां नूं लै के गुरु के सवार सरसा नदी दे किनारे किनारे तुरदी है, गंगू नाल है, ते गुरु के सवार किनारे किनारे तुरदियां तुरदियां दादी उस प्यारे दे प्यार विच लीन है, ते कदी कदी उस प्यार दी चात अपने पुत्र वर ख्याल दे रूप विच चली जांदी है, मेरा लाल किथे होएगा, कदी अपने वड्डे पोतरियां दे रूप ख्याल दे रूप विच चली जांदी है। इउं दादी कुछ गंभीर होई सरसा नदी दे किनारे तो तुरी जा रही, सबब नाल बाबा जोरावर सिंह ने
सज्जा हाथ फड़ पकड़े है। बाबा फतेह सिंह साहब ने दादी का खब्बा हाथ पकड़े है। इन्ने चिर नूं दादी जदों कुछ बोलदी नहीं तो बाबा फतेह सिंह अपनी बड़ी मदरजी आवाज़ विच अपनी इस दादी नूं बोल कहिंदे ते उन्हां बोलां नूं मिर्जा अल्ला यार खां जोगी ने बड़े खूब शब्दां विच लिखे है। वो कहिंदे वो कहन लगे दादी से बोले अपने सिपाही किधर गए, छोड़ के हाय सूरत माही किधर गए, अब्बा बघाक के लश्कर शाही किधर गए, भाई भी हमें भूल गए जौक के जंग में, अपना तक ख्याल नहीं जौक ए तुफंग में, जब रन अजीत जीत के तशरीफ लाएंगे, पिता के साथ जिस घड़ी जुजार आएंगे, करके गिला हर एक से हम रूठ जाएंगे, माता कभी पिता कभी भाई मनाएंगे, वो कहेंगे बार बार मन जाओ लेकिन हम नहीं मानेंगे जिनहार। दादी पूछना चाहना बाबा अजीत सिंह साहब नज़र नहीं आते, बाबा जुझार सिंह साहब नज़र नहीं आते, माँ दादी जी पिता जी किथे ने। दादी इन्हां बोलां नूं सुनदी है ते कन्नां विच बोल पै इन्हां बच्चियां दे ते मन नाल दो चार हो के ये गल कहिंदी है, ऐ खुदावंद करीम मैं की जवाब दिया इन्हां सोल जिंदा नूं, ऐ अरशां कुरशां दे मालका मैं की जवाब दिया इन्हां नूं, बियाबान उस रस्ते विच तुरी हुई दादी नूं जिहड़ी एक चिंता है, चेते रखियो मैं चिंता शब्द वरते है, दादी नूं जिहड़ी एक चिंता है बड़ी कमाल दी चिंता है, मैं समझना कल्ली दादी नूं उन्हां बच्चियां दी चिंता नहीं सी, साडे हर एक बच्चे दी उस दादी नूं चिंता सी, जिहड़ा नौजवान अज केस कतल करवाउंदा है सिखां दे घर जन्म लैके, जिहड़ा नौजवान सिखां दे घर विच जन्म लैके तंबाकू खांदा है, जिहड़ा नौजवान सिखां दे घर विच जन्म लैके पतित हुंदा है, अज दादी चेते रखियो अपने माँ बाप नूं नहीं, मैं समझना वो नौजवान फिर दादी नूं चिंता विच पांदा है, उस मात गुजरी उस बारे की सोचनी होएगी, इस सिखी दे बगीचे नूं लोकी ते बगीचिया नूं पानी पा के संजदे ने, पर इस सिखी दे बगीचे नूं मेरे पुत ने अपनी रत पा के सिंजिया ते उस बगीचे दे फुल महक ना देन कुमला जान एक दी वड्डी गल। खैर उस वेले अल्लाह यार खां जोगी कहिंदा है, दादी उस करतार नूं रूबरू हो के बचन कहिंदे ते आखिया ऐ मालक ये बेटे की अमानत है ये बहू की कमाई है, ऐ वाहिगुरु जी ये मेरे बच्चे आ मेरे साहबजादे मेरे पुत्र की अमानत है, भावें सियाने कहिंदे ने मूल तो ब्याज प्यारा हुंदा है पर सच तो यही है मूल नूं ही ब्याज लग्या हुंदा है, ब्याज तो मूल का ही हुंदा है, मैं इन्हां दी दादी हाँ ये मेरे पोतरे हैं, ये सिखी सवासा से केसा सवासा नाल नभा जान इस बुढ़े शरीर ते ये बड़ी भारी जिम्मेवारी है, किधरे ऐसा ना हो जाए मैं इन्हां दे बाप नूं जवाब की दें, मैं इन्हां दी माँ जीतों नूं जवाब की दें, कह लगे ये बेटे की अमानत है ये बहू की कमाई है लाख दौलत अपनी फिर भी ये दौलत पर आई है, भावें मेरी भी ने पर दादी हाँ माँ तो नहीं है, लाख दौलत अपनी फिर भी दौलत पर आई है, ते आखन लगी ए मालक कृपा करने। इन चिर नूं गुरु के सवारियो बच्चिया ने अगला प्रश्न किया, दादी असी किथे जा रहे हैं, बेटा थोड़ी दूर का सफर हो रहा है अपने टिकाने पे पहुंच जाना,
आखिर गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी की माँ है माँ गुजरी, आखिर गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी नू दी जन्मदाती है माँ गुजरी, जिदे बारे गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने खुद कहा सी मेरी प्राप्ति लई मेरी माँ ते मेरे बाप ने भगती करद्या करद्या दिन रात एक कर दिता सी। तात मात मुर अलख अरादा बहुविध योग साधना साधा तिन जो करी अलख की सेवा तांते भय प्रसन्न गुरुदेवा। इस गुजरी ते गुरुदेव कदी प्रसन्नी सी। अज उस मां गुजरी जानती जिथे चले इत्थे इन्हां शरीरां दी जिंदगी दी कहानी समाप्त हो जाए। पर चेते रखियो शरीरां दी गल कही इत्थे इह शरीर अपनी उम्र अपने सुवास अपनी परालबन सब कुछ समेट देणगे। खैर दादी सुनदी सुनदी चली गई। गंगू ने अपने घर रखिया उस अबारत नूं तुसीं चंगी तरह जाणदे हो। आखिर ठंडे बुरज विच कैद कर दिते गए गिरफ्तार करा के। दोवें साहबजादे ते मां गुजरी जदों उन्हां साहबजादियां नूं गिरफ्तार कचहरी विच पेश कीता गया ठंडे बुरज विच रखिया गया। वो एक बड़े कमाल दा इतिहास है। पहले दिन कचहरी लगी सूबा सरहंद ने आख्या बचियो ईन मन जाओ हंस पै जिस बाप दी औलाद हाँ उसने कभी झुकना ते चुकाना सिखिया नहीं है। क्यों ईन मनीए पहला ही अमान विच दीन नू कबूल कीता पहला ही उस मालक दे चरणा विच जुड़े होए। जवाब दे दिता। दूसरे दिन फिर पेशी होई छड़ दिते गए। तीसरे दिन फिर नीयां विच चिणन दा गुरु के सवार हकूमत वालों फतवा दे दिता गया। ये फतवा नीयां विच चिणन दा आया। दो जलादा शासल ते बादशल बेग नू हकूमत ने हुक्म दिता कि इसना नू नीयां विच चिण दिता जाए। जोगी कहिंदा नी उसरदी है कंध उसरदी है। बच्चे साहबजादे उस कंध विच खलोते ने। आखिर इटां कंध दे रूप विच जदों सह रग तक पहुंचियां ते जोगी ने आख्या मेरी कलम आजाजत नहीं देंदे जो मैं लिखा। वह कहिंदे ने उस वेले साहबजादियां ने जिहड़े बोल कहे अज हर बच्चे नू हर परिवार नू याद रखण दी लोड़। आख्या सी हम अपनी जान दे के औरों की जाने बचा चले नानक का बाग खूनी जिगर से खिला चले गद्दी और तख्त अब कौम पाएगी जहां से दुश्मनों का नामों निशान मिटाएगी। आख्या असी अपने खून नाल गुरु नानक दे घर दा बगीचा सिंज के चले साडी कौम तख्तां ते गद्दियां दे मालक बनेगी। गुरु के सवार सच जाने। और उस तो बाद जोगी ने बोल के कह लगे ठोडी तक ईंटें चिणदी गई मुंह तक आ गई बीनी को ढांपते ही वो आंखों पे छा गई लखते जिगर को बिंद के वो दोनों छुपा गई कंध उसर दी गई। गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी दे लाल इस कंध विच अलोप हुंदे ने। सच जाने हो उस कंध विचों उन्होंने बहुत वड्डी कौम नूं संदेश दिता। वो कहिंदा ठोडी तक ईंटें चिणदी गई मुँह तक आ गई बीनी को ढांपते ही वो आँखों पे छा गई लखते जिगर को बिंद के वो दोनों छपा गई। जोगी जी इसके बाद हुई थोड़ी देर थी बस्ती सरहंद शहर की ईंटों का ढेर थी। सब ज्यादे शहीद हो गए। कमाल है दास ने पिछले दिन चार साहबजादे एक फिल्म आई है
मैं बेनती करा देखिया करो, बच्चियां नू दिखाया करो, चेतना मिलती है। साडा इतिहास की है, साडी पहचान की है। गुरु के स्वारस नू देखिया रोंगटे खड़े हो गए, दादी नू पता चलिया साहबजादे शहीद होए, ते दादी ने भी अपने शरीर का परित्याग कर दिता। माँ जी शहीदी प्राप्त कर गए, ते चेते रखियो दुख विच सारे ही दुध पानी पिया सकते ने सुख विच, पर इतिहास कदी नहीं भुलेगा उस मोती मेहरे नू जिन्ने दुख दी घड़ी विच ते जिन्ने पल पल ते खड़ी कोई मौत नू मखौल कर दियां उस बुजुर्ग दादी ते साहबजादियां दी दुध नाल सेवा कीती सी। वे मोती तैनू पता इस प्याए दुध दा नतीजा की निकल सकदा है? मां मैं चंगी तरह जानदा, जो नतीजा निकलेगा मैं तेरे चरणां दी बदौलत, तेरे ते चेरे छोटे बाबियां दी बदौलत, साहबजादियां दी बदौलत मैं उस नतीजे नू हस के सह जाऊंगा। पर मेरे लिए सिफारिश मेरी माँ अपने पुत को जरूर कर दें, इस मोती दे आना जाना भी सफला कर दे। दुख की घड़ी बिच उस मोती ने दुध पियाया, असीस लैके माँ ने तोरिया, दे के माँ ने तोरिया, बे मोती तेरिया पुश्तां जिउंदियां रहन। लोग तो सानू पानी दे कुट देने तो डरते ने, वे तू इस बिपता की घड़ी बिच गर्म गर्म दुध नाल सेवा करन वालिया किन्नी अंदरों असीस निकली होवे, ते उहदा प्रमाण की निकलिया? हकूमत ने उस मोती नू गुरु के सवारे कोल्लू दे अंदर रख के पीड़ दिता समेत परिवार, खत्म कर दिता उस परिवार नू। पर मोती जांदिया जिहड़ा धर्म कमा गया वह गुरु के सवार सदियां तक कौम उसका देना नहीं दे सकेगी। इसे ही कचहरी का एक होर किरदार है, उसका नाम है नवाब शेर खां। पर एक कचहरी विच कहा ए शीर खोर बालक ने इन्हां नूं ऐसी सज़ा देना इस्लाम दे विरुद्ध है, मैं परवाह नहीं करदा, वाकआउट कर गया। ते मेरे गुरु कलगीधर पातशाह जी ने जदों नूरे माही दी अब तो अवारत सरहंद दी सुनी, मन ही मन विच आखिया मोती दा सब कुछ रह गया। अरदास कीती कह लगे सारा कुछ ढह जाए भावें, पर शेर खां तेरा मलेर कोटला सदा आबाद रहेगा। एडी वड्डी उस वेले हा दा नारा मारन दा मतलब है सरकार दा दुश्मन होना। गुरु के सवार इत्थे ही एक होर बहुत वड्डा किरदार है। आ जिहड़ी सरहंद है, इस सरहंद नूं पहला गुरु मारी सरहंद कहिंदे सन, क्योंकि इस सरहंद दा इतिहास बड़ा अजीब है। गुरु अर्जन साहिब महाराज जी दी शहीदी जिस ढंग नाल होई उस शहीदी दे कारना विच एक कारण इस सरहंद विच दी धरती भी सी, क्योंकि इस धरती ते रहण वाला एक बहुत वड्डा सैयद शेख अहमद सरहदी जिसकी बहुत वड्डी मानता सी, उसने उस शहीदी करवाण विच अपना योगदान पाया। गुरु के सवारो टोडरमल आए, मां जी का शरीर ठंडे बुरज में पिया, ते इतिहास पढ़दियां छाती फटदी है, साध संगत छोटे बच्चियां दे शरीरां नूं परा सुट दिता गया। ते उस वेले टोडरमल ने सरकार नूं एक दरखास्त दित्ती, मैं सूबेदार सरहंद नूं ए प्रार्थना करदा
कि जे सरकार की इजाजत होवे मैं इन्हां तिन्नां शरीरां दा संस्कार कर सकना। सूबेदार बड़ा हंकारी जालम मनुख सी, आख्या टोडर मल सरहद की धरती दा एक एक इंच इन्हां तिन्नां शरीरां दी नूं इत्थे थां देण लई तैयार नहीं है। धरती तो देगी पर सरहद दे सूबे दा दिल बर्दाश्त नहीं करदा। टोडरमल ने कहा जगह किवें मिल सकती है, मैं इन्हां बच्चियां दा संस्कार करना चाहुंना, मैं इस बजुर्ग मां दा संस्कार करना चाहुंना। तो सूबे सरहद ने आख्या जिन्नियां मोहरां धरती ते विछाएगा मोहरां दे हिसाब नाल धरती खरीद के इन्हां दा संस्कार कर सकदा। इतिहास कहिंदा मोहरां नाल ज्योति स्वरूप जिस स्थान ते गुरु घर बणिया उस टोडरमल ने इस धरती नूं खरीदिया, होरना कुछ नूं नाल लिया, वारी वारी इन्हां तिन्नां शरीरां नूं ज्योति स्वरूप वाली जगह ते लै गया। कैसी विनम्रता है, ना इन्हां बच्चियां दा बाप कोल है ना इस मां दा पुत्र कोल है, खूनी रिश्ता कोई भी संस्कार करने लई कोल नहीं है, पर एडा परमात्मा ने जो रिश्ता भेजिया टोडर माल अपने अंदरों अंदर ही रोंदा ते उन्हां हंजवां नूं नैणां विचों ना कढ़दा, अंदर ही संजो के इन्हां तिन्नां शरीरां दी अर्थी ले जा के सजा दिंदा, ते अर्थी सजा के संस्कार करन लई मन ही मन अरदास करदा, मां मैं एदू वध मेरे कोल समर्था नहीं, मैं कुछ कर सकदा, मां मैं तेरे पोतरियां नूं केवल ते केवल इस धरती दे सुपुरदी करके जा सकदा, मां जिन्नी को मेरे कोल सेवा होई मेरी इस सेवा नूं प्रवान कर ली। गुरु के सवारियो ज्योति स्वरूप वाली जगह ते दोनों साहबजादियां नूं ते माता जी दे शरीर नूं सजा के टोडर मल ने संस्कार कर दिता। एक बड़ी वड्डी उत्थे गल है, तुसी जांदे हो दर्शन करदे हो जिथे थड़ा साहब बने है, उस थड़ा साहब के अगले पासे थोड़ी जी जगह ते फुल पए होंदे ने, कदी दर्शन करियो ज्योति स्वरूप गुरुद्वारा साहब जाके। ये क्यों कहिंदे थड़ा साहब वाली जगह ते साहबजादियां दा संस्कार कीता ते जिथे फुल सजाए जांदे ने उत्थे माता दा संस्कार कीता, इउं लगदा मां अज भी अपने पोतियां दी रखवाली ते बैठी हुई है। एडी वड्डी गुरु के सवार ओ आबारत है, शहादत हो गई, एक तिन्ने शरीर शहादतां प्राप्त कर गए, दो साहबजादे चमकौर दी गढ़ी में शहादतां प्राप्त कर गए, गरीब नवाज पातशाह इधर विचरदियां विचरदियां आखिर राय कोट आए ने, उत्थे ये सारा हाल सुनते ने, तो उस हाल नू सुन के अपने तीर नाल घाई का बूटा पट के बचन कहे अज मुगल राज दी जड़ पटी जा चुकी। गुरु के सवार अज उन्हां प्यारियां दी असी शहादत दे इस समागम नू समर्पित समागम विच जुड़ बैठे। गल कहनी सौखी है, गल जिंदगी विच कमाणी गुरु के सवार बहुत औखी। तन है ओ मां, तन है ओ बाप, ते चेते रखियो जदों आपो दा महीना हुंदा ना उदों गुरु कलगीधर पातशाह महाराज जी दे परिवार नू प्यार नाल कदी याद कर लिया करो, किन्नियां शहादतां किन्ने इन्हां शहादतां ते माण करदे आ। गुरु गोबिंद सिंह ने साहब जी ने बचन कहे सन, मैं नहीं इन्हां शहादतां करके
मैं सारे संसार नूं प्रफुल्लत वेखना चाहुंदा। मैं नहीं होर बहारां नूं सड़न दिता, मेरे अपने बाग वीरान हो गए। हथी शां कीती लखां पुत्रां नूं, मेरे चारे दे चारे कुर्बान हो गए। ऐसी शहादत दे इस समागम विच जुड़ बैठे हो, गुरु चरणा विच ही अरदास करनी है, पातशाह कृपा करो, सिखी स्वरूप बख्शो, उन्हां बच्चियां दी महान करनी नामा साडे लई प्रेरणा स्रोत बने। पवित्र माता जी दा करनी नामा साडे गुरु के सवार जिंदगी दी डंगोरी बने, ऐसी मंग चाहीदी गुरु चरणा पासों। गुरु कृपा करे, साहब रहमत करन, सब दा धन्नवाद प्रणाम है उन्हां महान शहीदां नूं। गुरु साहब बख्शिश करके सब नूं चढ़दियां कला गुरसिखी जीवन बख्शिश करन। इन्हीं को बेनतियां प्रवान, गलतियां भुलां दी आप जी ने खिमा कर देनी। कुटानकुर धन्नवाद श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी दा और आप जी वर्गियां रब स्वरूप साध संगतां दा और मेरे सत्कारयोग ज्ञानी कुलवंत सिंह जी जिन्होंने इस नगर विच जन्म लैके और बहुत वड्डा पंथ विचों नामना खट रहे ने। यह सारा कुछ मेरे परम पूज्या महापुरुष संत बाबा सुचा सिंह जी जिन्हां दा इस इलाके नाल इन्हां नगरां नाल बहुत प्यार रहा, ये उन्हां महापुरशां दी बदौलत है कि ज्ञानी जी छोटी उम्र विच नहीं पढ़न गए, थोड़ी जी पक्की उम्र विच गए, पर महापुरशां ने ऐसी असीस दित्ती, गुरु साहिब जी ने एड्डी वड्डी कृपा कीती, अज पंथ विच उन्हां दा बहुत वड्डा नाम है। तुहानू सारिआं नूं उन्हां ते माण है, इलाके नूं माण है। गुरु कृपा करे, बख्शिश करे, चढ़दियां कलां सतगुरु जी उन्हां नूं भी बख्शिश करन। तुहानू सब नूं सतगुरु जी अपने चरणां दी प्रीत प्रतीत बख्शिश करके नवाजन। इन्हीं को बेनतियां प्रवान, प्यार सतगुरु फतेह दी सांझ पाओ। गज के आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।